गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, आज पूरे एक साल बाद स्कूल खुला है और शायद तुम लोग नहीं जानते लेकिन मुझे इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैम, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। इशाद, वो मैम मैं नहीं, हम सब आपके बच्चे नहीं हैं, हम अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो प्लीज़ हम लोगों को अपना बच्चा नॉट बोलिंग। हाँ मैम, गगन सही बोल रहा है, आप हमें अपना बच्चा मत बोलिए। तो क्या बोलूँ फिर? अगर हमें नहीं पता पर आप हमें अपना बच्चा मत बोलिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब मुझे पता चला पिछली अमावस की रात को कि स्कूल फिर से खुलने वाले हैं तो मैं खुशी से पागल हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और ये अमावस की रात क्या होती है? भाई अमावस की रात बहुत खतरनाक होती है, मैंने सुना है इसका कुछ भूत वूत से कनेक्शन होता है। इसका मतलब शिखा मैम का कुछ भूत से कनेक्शन है क्या? मैंने तो सुना है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से शिखा मैम घर ही नहीं गई हैं, स्कूल में ही रह रही हैं। क्या बात कर रही हो? तुम तीनों क्या खुसरे-बुसरे कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैम मैंने सुना है आप एक साल से घर ही नहीं गई हो, स्कूल में ही रह रही हो, ये बात सच है क्या? दिस बात इज ट्रू? हाँ ये बात सच है, दिस बात इज ट्रू। लेकिन मैम आपने एक साल तक स्कूल में किया क्या, और आप इतने बड़े स्कूल में अकेले कैसे रह लेती थी? नहीं मैं स्कूल में अकेली नहीं रहती हूँ, मेरे साथ डीके सर और बीसी सर भी रहते हैं। अच्छा फिर ठीक है, लेकिन मैम वो डीके सर और बीसी सर तो कोरोना से मर गए थे ना, आप मजाक कर रही हो ना मैम? तो तुम लोगों ने मेरी इस बात को सीरियस ले लिया क्या? नहीं। फिर मैंने भी नहीं लिया। राहुल तूने लिया क्या सीरियस? नहीं बे। ओके मैम, मुझे ना इस बात पे एक शायरी याद आ गई है, क्या मैं उसे अर्ज कर सकता हूँ? हाँ इरशाद। कि उनकी चाहत में हम इस कदर दीवाने हो गए, कि उनकी चाहत में हम इस कदर दीवाने हो गए, 25 दिन में डबल का चूना लगा गई मुझे। वाह 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 वाह, भाई क्या शायरी मारी है, एकदम फाड़। अब खुद की क्या तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जो कोई बने तो लैंडलॉर्ड उसे मार घुसल नीचे में धरूं। बस 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 ये अच्छा लगा मुझे। मैम मैं भी एक शायरी सुनाऊं? इरशाद, तुमने खुद मुझ पर दिल और सब कुछ लुटाया, इसमें मेरी क्या खता? कि तुमने खुद मुझ पर दिल और सब कुछ लुटाया, इसमें मेरी क्या खता? मेरी दो चार हंसकर बातों को तुम मोहब्बत समझ बैठे, कुछ होता ना पता। हाँ ठीक है, अब तुम सब बच्चे अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई करो। लगता है इन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूं। राहुल तुझे कुछ अजीब अजीब सा नहीं लग रहा था शिखा मैम के अंदर, उनकी उनकी आवाज और उनके बोलने का तरीका? भाई मेरे को अजीब नहीं, मेरे को डर लग रहा है, कहीं वो भूत भूत तो नहीं? मुझे तो लग रहा है कि शिखा मैम सच में पिछले लॉकडाउन से स्कूल में ही रह रही हैं। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन वो बीसी सर और डीके सर वाली बात तो पक्का झूठी होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दोनों सर तो पिछले साल ही मर चुके हैं ना। भाई अगर ये बात सच निकली तो, और क्या पता वो दोनों यहाँ भूत बन के रह रहे हो साथ में शिखा मैम भी। अबे नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ सही कह रहा है गगन, क्योंकि शिखा मैम अभी मरी थोड़ी ना है, वो तो अभी जिंदा है, और जिंदा लोग भूतों के साथ थोड़ी ना रह सकते हैं। अरे वाह तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग आ गया है, लगता है तुमने लॉकडाउन में चौनप्रास खाया है। भाई अब क्लास में चलो नहीं तो मैम आ जाएगी। हाँ भाई सही कह रहा है तू, चल। ये क्या है? मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं चल के देखते हैं। ये
ये अपना खिलौना कौन छोड़ के चला गया है? अबे ये खिलौना नहीं है, ये असली हाथ है। अरे बाप रे, कहीं यहाँ सच में तो भूत नहीं है ना? मुझे तो लगता है यहाँ पे जो भूत रहते हैं उन्हीं में से किसी का हाथ है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ गगन, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम लोग अपने सारे दोस्तों को लेके यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ चलो फटाफट क्लास में चलते हैं और सबको बताते हैं इस हाथ के बारे में और सबको लेके निकल लेते हैं स्कूल से। हाँ चलो चलो। ओए तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने क्लास में जाने को बोला था ना। मैम हमें ना यहाँ पे कटा हुआ हाथ मिला है, ये देखो। मैम कहाँ है हाथ? तुम तीनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे नहीं मैम, मैंने उस हाथ को देखा था, मैंने तो उसको अपने हाथ में ले रखा था और अब पता नहीं क्या गायब हो गया। हाँ मैम गगन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी उसके हाथ में हाथ था, वो भी कटा हुआ, उसको खून भी लगा हुआ था। मैम हमको बहुत डर लग रहा है, हम लोग स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। तुम तीनों कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप अपनी क्लास में जाओ, समझे? नहीं मैम, हम तो अपने घर जा रहे हैं। मैंने बोला ना कि तुम तीनों कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप उठो और अपनी क्लास में जाओ, जाओ। जा रहे हैं मैम, जा रहे हैं। लगता है इन्होंने बीसी सर का हाथ देख लिया। इन तीनों का मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे स्कूल में। भाई अभी मैम आई नहीं है क्या? नहीं नहीं 10-15 मिनट बाद आएगी मैम। अच्छा चलो ठीक है, तब तक मैं ना बिनोमो पे ट्रेडिंग कर लेता हूँ। बिनोमो पे ट्रेडिंग, ये क्या है? देखो मैं तुम्हें आज एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बिनोमो। ये एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ और तुम इसमें अलग अलग एसेट में ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे एप्पल, गूगल, बिटकॉइन, गोल्ड, और तो और इसमें फॉरेन करेंसी भी है जैसे US डॉलर, यूरो, और इसमें तुम्हें 90% का प्रॉफिट भी मिल सकता है। अरे वाह यार। देखो इस प्लेटफॉर्म में कोई भी एसेट सेलेक्ट करना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बताता हूँ। देखो मैंने 700 रुपये का ट्रेड अब में लगाया है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अब थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखो मेरा फोरकास्ट सही निकल गया। अरे वाह यार, लेकिन ये पैसे मेरे पास कैसे आएंगे? अरे यार पेटीएम और बैंक के द्वारा तुम अपने अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर सकती हो, वो भी सिर्फ 24 घंटे में, और इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपये है, और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो तुम्हारा डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे अगर तुम 400 रुपये का टॉपअप करती हो तो 800 रुपये मिलेंगे। अच्छा ये बताओ कि इसमें डाउनलोड कहाँ से करूँ? अरे यार मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अगर तू वहाँ से डाउनलोड करेगी तो तुम्हें 65,000 रुपये डेमो अकाउंट में मिलेंगे, और डिफरेंस स्ट्रेटजी अलग से जिससे तुम ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकती हो। ठीक है मैं भी घर जाकर डाउनलोड करूँगी। हाँ यार मुझे ना पक्का यकीन हो गया है, या तो डीके सर या तो बीसी सर, इन दोनों में से कोई ना कोई भूत बन के जरूर रहता है इस स्कूल में। भाई मुझे तो लगता है शिखा मैम ही भूत है, क्योंकि जब वो आई थी तभी वो हाथ गायब हुआ था। हाँ और जब हम वहाँ से आ रहे थे ना तो शिखा मैम कुछ तो बोल रही थी। क्या बोल रही थी? हाँ वो बोल रही थी कि इन्होंने तो बीसी सर का हाथ देख लिया, अब इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा था बोल रही थी वो। हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। भाई तुम लोग किस कटे हुए हाथ की बात कर रहे हो? डीके सर, बीसी सर, भाई मुझे भी बताओ। और हाँ अगर तुम लोग हमें नहीं बताओगे तो हम लोग प्रिंसिपल को जाके बता देंगे। प्लीज क्या कर रहे हैं अब? शोर क्यों कर रहे हो? चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी मैम। हाँ तो बच्चों बताओ कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मैं बताऊं? नहीं ओए तू बता। मैम मुझसे पूछ रही हो क्या? हाँ तुझे से पूछ रही हूँ, जल्दी बता, बताओ। मैम नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट मुझे नहीं पता। मुझे पता था कि तुम नहीं बता पाओगे, अभी बता तुम्हें। मैम प्लीज मुझे बंद मारो, प्लीज।
प्लीज मैम मत मारो मुझे। कितने दिनों से मेरी हाथ मारने को तरस रहे थे, फाइनली आज वो दिन आ ही गया। इसका मतलब है तुम लोगों ने लॉकडाउन में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मैम मैंने रिवीजन करी है, मैं बताऊं? नहीं तुम नहीं, और चाइनीज तू बता। मैम मुझे नहीं पता। मैम मुझे पता है, मैं बताऊं? नहीं, और लड़की तू बता। मैं? हाँ तू, जल्दी उठ। मैम मैंने पढ़ा तो था पर मैं भूल गई। भूल गई? रुको, तुम तीनों कहीं नहीं जाओगे। मैम अब तो गेम्स का पीरियड आ गया है ना, आपका तो खत्म हो गया है, हम गेम्स खेलने जा रहे हैं। मैंने बोला ना कि तुम तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैम प्लीज जाने दो। हाँ मैम मुझे घर जाना है। मैम हमें जाने दो यहाँ से। मम्मी 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 मैंने बोला था ना शिखा मैम भी भूत है, और वो हाथ भी इन्होंने गायब किया था। अच्छा हाँ, अब ये बताओ करना क्या है? भाई चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। तुम लोग यहाँ से अब नहीं जा सकते। शिखा मैम आप हमसे चाहती क्या हो, और सिर्फ हम तीनों को एक क्यों रोक रखा है क्लास में? क्योंकि तुमने बीसी सर का कटा हुआ हाथ देख लिया था। पर मैम आप पहले तो ठीक थे ना, फिर आपका ये हाल कैसे हो गया? जब डीके सर और बीसी सर को कोरोना हो गया था तब मुझे भी कोरोना हो गया, जिससे मैं मर गई, और तब मैं स्कूल में आ गई, और तब से मैं स्कूल में ही रह रही हूँ। तो फिर डीके सर और बीसी सर कहाँ पर है? वो दोनों यही हैं इसी स्कूल में। बीसी सर सेकंड फ्लोर पे और डीके सर थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और हम तीनों खून के बहुत प्यासे हैं, और तुम भी तीन लोग हो। आज डिनर में बहुत मजा आएगा। प्लीज मैम ऐसा मत करो हमारे साथ। हाँ मैम हमें छोड़ दो, मैंने ना बहुत सारे सपने देख रखे हैं। अभी तो मुझे शादी करना है, हम बच्चे पैदा करने, और हनीमून पे भी जाना है। अगर आप मुझे खा लोगे तो मैं अपने सपनों को कैसा पूरा करूँगा? आप ऐसा करो, आप इन दोनों को खा लो और मुझे जाने दो मैम। अबे पागल है क्या, ये क्या बोले जा रहे हैं? चुड़ैल से बचने का तरीका ढूंढ। लेकिन अभी तो तू कह रही थी कि शिखा मैम भूत है। अबे भूत और चुड़ैल दोनों एक ही होते हैं। अच्छा तो ना मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग क्या खुशे खुशे कर रहे हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। बीसी सर और डीके सर ने 2 महीने से कुछ नहीं खाया है, और जब वो तुम तीनों को देखेंगे वो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मैम उन्होंने 2 महीने पहले किसको खाया था? हमारे स्कूल का जो चपड़ासी है ना उसे खाया था, और अब तुम तीनों की बारी है। अच्छा ठीक है मैम, मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप उसे पूरा कर सकती हो? हाँ हाँ बताओ, ज़रूर पूरा करूँगी। वो मैम आपको डांस बहुत पसंद है ना, तो हम सोच रहे थे कि आपको लास्ट टाइम डांस करके दिखा दें, हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छा डांस सीखा है। हाँ हाँ मुझे डांस बहुत पसंद है और देखना भी। चलो चलो डांस करो। ये क्या कर रहे हो? चुपचाप डांस कर। हाँ मैम कर रहे हैं।
नाचो नाचो और नाचो। नाच तो रहे हैं मैम, और के नाच नाच के कमर तोड़ दूं। उठो। नाचो नाचो और नाचो। भाई देखो शिखा मैम मर गई। अरे वो तो पहले से ही मरी हुई है, और कितनी बार मारेगा? लगता है शायद मैम बेहोश हुई है। चलो चल के देखते हैं एक बार। तो सांस ही नहीं चल रही है। राहुल सही कह रहा है, मैम ना मर गई है। भाई मैं हमेशा सही ही बोलता हूँ। राहुल गगन फालतू के बारे में बात मत करो, मैं तो कह रही हूँ यहाँ से निकलते हैं। ये चुड़ैल लोग ना कभी भी जिंदा होते हैं और कभी भी मर जाते हैं। ऐसा भी होता है क्या? चलो फिर भाग लेते हैं यहाँ से। चलो भाई भागो, भाई उठा बैग बैग। आगे क्यों नहीं जा पा रहे? कहीं वो चुड़ैल मैम ने कुछ किया तो नहीं है? मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगा? तुम कितनी भी कोशिश कर लो स्कूल से जाने की, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। सो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी सेकंड पार्ट आएगा, तो जल्दी से कमेंट करो। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल दागन को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन होता है उसे दबाओ, बगल में बेल आइकन आ जाएगा उसे भी दबाओ, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, बिनोमो को डाउनलोड करो, उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।